हरियाणा रोड पर स्थित गांव ढोलेवाल में प्लाईवुड फैक्ट्री लगाए जाने का लंबे समय से विरोध कर रहे लोगों का गुस्सा एक बार फिर भड़क गया। बीती रात लोग फैक्ट्री के अंदर पहुंच गए और वहां काफी देर तक हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर फैक्ट्री को जल्द बंद नहीं किया गया तो वे दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास के समक्ष आत्मदाह कर लेंगे। पेश है इस संबंधी हमारी रिपोर्ट। ये फैक्ट्री दुलोवाल पिंड विच लग रही है और इहदा रोष यह हैगा कि दिने तां इन्हां कोल काम करन दा परमिशन है नहीं है, ये रात नूं भी करदे पे आ प्रशासन दी मिली भगत नाल। असीं डीएम साहब नूं अज तों 2 फरवरी नूं लैटर दे के आए कि जिहड़ा तुसीं हैगा कि इन्हां दा रात दा काम बंद कराओ। सुप्रीम कोर्ट दी असीं रूलिंग भी उन्हां नूं दे के आए आ। एक दिन मेरे ख्याल 3 दिन काम बंद रहा, इन्होंने 5 दिन पहले फिर काम शुरू कर दिता। कल असी सरबजीत साहब जिहड़े डीएसपी ने रूरल, उन्होंने असी मिले सके, उन्होंने कहा कि काम बंद हो जाएगा। कल 8 बजे काम बंद हो गया, अज इन्होंने फिर रात भर काम चालू रख दे। बच्चों के एग्जाम है, लोगों को डिप्रेशन की बीमारी शुरू हो गई, 8 महीने तो लोग इतने परेशान है, ये रात दिन काम कर रहे हैं। तो असं ये चाहते कि इन्हों जो फैक्ट्री, असं तो यह चाहते कि फैक्ट्री बंद हो, सू फैक्ट्री की कोई जरूरत नहीं है। साडे कोल रोजगार बहुत है, साडे इत्थे दे बंदे बहुत सुखी है, सानू इदा की फैक्ट्री नहीं चाहिए इतने कि जेड़ा इतने का पानी भी खराब करे, हवा भी खराब करे। कितने गांव के लोग प्रभावित हैं? हाँ जी, कितने गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं? इस इतने घटो घट 25 किलोमीटर का एरिया पर प्रभावित हो रहा है। कंस्ट्रक्शन वास्ते धरती हेठला पानी नहीं कढ सकते, जबकि इन्होंने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री विच लिख के दिता कि जेड़ा असीं कंस्ट्रक्शन करना है वह पानी असीं लागले पिंडां दे जेड़ा नालियां उन्हां चों कढ के लिया के उन्हूं ट्रीटमेंट करके पानी बरतां के, जबकि तुसी अंदर देखो घट्टो घट 8 बोर है इसलिए इन्होंने किए हुए। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दे कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट है कि धरती हेठों पानी नहीं कर सकते। इत्थे सुनवाई नहीं हुंदी ते गां दी की रणनीति होएगी? गां दी साडी रणनीति असीं पहले भी दस्या सीगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तो सानू न्याय अगर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज असीं लोकां ने सलाह बनाई हुई है कि असीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे घर दे बाहर जाके आत्महत्या कर लईए। आत्महत्या होएगी? ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਬੰਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ, ਫਿਰ ਬਈਏ ਆ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਪੇਪਰ ਆਏ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਾਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਂਚਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ।
उस तो बाद जेकर फिर भी रात नूं काम करनगे ते इन्हां दे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।